हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो चलिए न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दिया करें, और कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो मैंने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया है पूजा पाठ करने से। मैंने सोचा एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपना व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर गोपाल जी को नहला के मंदिर में बिठा दिया है, उनको तिलक कर दिया है और जोत बाती मैंने कर दी है। अभी मैं लगा रही हूँ गोपाल जी को भोग। तो मैं केला रखा हुआ था, केले का ही गोपाल जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद में जो है अनाया को मैंने नहलाया है, और अभी उसको जो है पाउडर वोडर तेल गोले के तेल की मालिश नहलाने के बाद में उसके हाथों पे पैरों पे मैं गोले के तेल की मालिश करती हूँ, और जिससे कि उसको अभी तक भी डाइपर से कोई भी रैसेस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं जब भी उसका डाइपर निकालती हूँ तभी उसको गोले के तेल की अच्छे से मालिश कर देती हूँ। बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, अब तो ये हो रहा है कि पूरे ना रोज़ की रोज़ ही मुझे बेडशीट जो है वो चेंज करनी पड़ती है। कभी ये दूर डाल देती है, कभी कुछ कभी कुछ, तो मैं बेडशीट जो है वो अपनी चेंज कर देती हूँ रोज़ ही। बस यहाँ पे बेडशीट लगा दी है, तब तक जो है पाखी ले रही थी अनाया को, और वो थोड़ी बहुत देर अब लेट के खेल भी लेती है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन गोदी गोदी में ही रखना होता है उसको, थोड़ा बहुत देर वो खेल भी लेती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और आज जो है न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी ना मैंने वो किया है, नहाई हूँ और पूजा पाठ जो है वो की है। मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात करके जो है वो व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने सुलाया है अनाया को, और आज उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उसको आज फीवर लग रहा है। पहले तो मुझे लगा था कि वैसे ही हो रही है। हमने क्या किया कि या तो उसको आदत पड़ चुकी है क्या नहीं हमें नहीं पता, पर मुझे लगता है कि हमने ना 2-3 दिन से एसी नहीं चलाया था। हमें लगा कि मौसम चेंज हो रहा है तो नहीं चलाना चाहिए, वो हमने नहीं चलाया। तो इसको पता नहीं गर्मी की वजह से किस वजह से हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर बुखार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसको आज फीवर था, और जब बच्चे को फीवर होता है आपको पता ही है कितना ज़्यादा परेशान कर दिया आज इसने। मतलब कि ये आराम से सुकून से रही नहीं है। अभी 2 बार मैं इसको सुबह से जो है पैरासीटामोल दे चुकी हूँ। अभी इसको आराम है, अगर नहीं होता तो फिर हमने सोच लिया था कि शाम को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे फिर, पर उसको भी आराम है और वो सो रही है। दूध पिला के उसको मैंने सुला दिया है। तो चलिए हाँ अभी हाँ व्लॉग की ओर कंटिन्यू करते हैं। और हाँ जी, मेरा जो है वो चश्मा बन गया है नया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। बताइएगा कैसा लग रहा है। वैसे मेरे फेस पे इस तरीके का बड़ा चश्मा, ये छोटा चश्मा तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या रख दिया, और ये इस तरीके की ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ना पहले अंधी थी और अभी मेरी आँखें आ गई हैं। मतलब इतना ज़्यादा मुझे कितना कम दिख रहा था, कितनी ज़्यादा वो हो रही थी वो मुझे पता चल रही है चश्मे लगा करके। मतलब जैसे ही मैंने लगाया ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो दुनिया सी नज़र आ गई। मतलब इतना ज़्यादा मेरी आँखों में दिक्कत हो रही थी। अभी जो है रात को जब सोना है, जब लेटना है, तभी आपको चश्मा निकालना है, और निकलेंगे क्योंकि मुझे ना मतलब जैसे चश्मा नहीं लगा रखा था तो पता ही नहीं था कि कितनी दिक्कत हो रही है कितनी नहीं हो रही है। अब जब लगा है, अब उसको हटा के देख रही हूँ, तब पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा परेशानी थी। तो बस वही है, और चलो फिर व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। आज स्टार्टिंग में ही आप लोगों से ज़्यादा बातचीत कर ली, और हाँ आप लोगों के साथ में कुछ शेयर भी करना है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है और क्या गुड न्यूज़ है, और वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे।
मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी रोटी, और अभी मुझे आगे आप लोगों के साथ में मैंने वो भी डाला था, क्या डाला था, शॉर्ट्स डाला था, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी, और आजकल मैं नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं भी सीख सकूँ और आप लोगों को भी कुछ बता सकूँ, है ना। तो वही है, और अभी बस दो रोटी बनाई है मैंने, ये तो दो रोटी मांटू के लिए बना ली और एक दो आधी अपने लिए भी बना लूँगी। तो मांटू को मैं रोटी दे रही हूँ भी ले जाके, वो खाना पीना खा लेगी, बच्चे खाना खा लेते हो, माँ को कितना सुकून मिलता है ना, तो उसको खाना दे के आई, बोली मम्मी दही भी दे दो। तो मैं आजकल दही जो है, पहले ऐसा हो रहा था कि मैं दही नहीं जमा रही थी, बाहर से मंगा ली अगर कभी मन किया, पर अभी मैं डेली एक कटोरा भर के जो है वो दही जमाती हूँ, जो दही मेकर है ना उसमें। और ये मेरी घर की दही ही है, इससे मैं बना रही हूँ राजस्थानी कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली है और दही में जो है वो बेसन डाल दिया है, जिसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बेसन की गांठें ना पड़े। फिर मैंने इसमें जो है हल्दी और नमक डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मैंने ये रेसिपी देखी, फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। अच्छे से इसको फेंट लिया है, ये पेस्ट सा बन गया है, पानी अभी नहीं ऐड करना है, पानी इसमें बाद में ऐड होगा। तो बस मैंने ले ली अपनी वही मिट्टी वाली कढ़ाई और इसमें जो है मैं ये पेस्ट डाल दूँगी, और इस पेस्ट को डालने के बाद फिर डालूंगी इसमें पानी। जी हाँ, ये इसी तरीके से जो है राजस्थानी कढ़ी बनती है, जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके की कढ़ी ये नहीं बनती है। टेस्ट भी इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट था इसका, बिल्कुल भी कढ़ी जैसी हम बनाते हैं वो वाला टेस्ट इस कढ़ी में बिल्कुल भी नहीं था। बस इसमें इसको चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, अगर हम रोक देंगे तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा और कढ़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो मैं इसको प्रॉपर चलाती रहूँगी, और अभी इसमें मैंने जैसे कि पानी ऐड किया है तो उसके हिसाब से मैं इसमें नमक डाल दूंगी, और बस नमक डाल दिया है और अभी आप लोग देख सकते हो कि जो कढ़ी है हमारी वो अच्छे से खोलने लगी है, और बस इसी स्टेज पे इसको छोड़ना है। जैसे ये खोलती है वैसे ही इसका कलर भी चेंज हो जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पता नहीं कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, बट अच्छी लगी, टेस्ट बहुत बढ़िया था। और सबसे बढ़िया जो था वो पुलाव के साथ में अगर हम इसको खाते हैं तो दुगना इसका टेस्ट हो जाता है। ये अच्छे से कढ़ रही है, करीबन आधा घंटा जो है मैंने कढ़ी को कढ़ाया है। अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ वेज पुलाव की, तो मेरे पास में कोई वेजिटेबल तो नहीं है, अगर आपके पास में है तो आप इसमें वेजिटेबल डालिए और ये पुलाव बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे ही कढ़ी में उबाल आ गया बढ़िया तरीके से, आधा घंटे तक मैंने इसको खदका लिया, वैसे ही जो है मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी मेथी इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कसूरी मेथी से ही जो है इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो बस कसूरी मेथी डाली और इसको प्रॉपर अभी चला रहे हैं, और फिर हम इसमें लगाएंगे बाद में तड़का। इसका तड़का ही बिल्कुल अलग लगता है, जैसा हम अपनी कढ़ी में तड़का लगाते हैं, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली, वैसा तड़का इस कढ़ी में नहीं लगता है। तो ये कढ़के बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गई है, बस मेन चीज़ बची है इसमें तड़का लगाना, तो वो भी अभी लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने भिगोने में जो है पानी को उबाल लिया है वेज पुलाव में डालने के लिए, ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तड़का तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैंने इसमें यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया है, और इसमें तड़के में क्या क्या जाएगा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जीरा जाएगा, सौंफ जाएगी, हींग जाएगा, मेथी दाना जाएगा, और जो साबुत मिर्च होती है वो जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें, वो डालनी है और बस इसका जो है वो तड़का लगा देना है। मेथी तो ज़रूर ही डालना है, क्योंकि मेथी से सोंधी सोंधी सी जो है वो खुशबू आती है। और 2 से 3 मैंने इसमें डाले हैं लौंग, जी हाँ लौंग भी इसमें जाएगा। तो बस यहाँ पे तड़का कढ़ी के ऊपर डाल दिया है। और हाँ, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी थी, वो मैंने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा सा मिर्च जो है हम अवॉइड ही कर रही हूँ, भी ज़्यादा मिर्च विर्च हम नहीं खाते हैं। तो ये तड़का ऊपर से डाल दिया है, और इसको तड़के को डालने के बाद में इसको ढक देना है। मैंने इसको बढ़िया तरीके से चला के फिर इसको बढ़िया ढक दिया था। ढकने से क्या है कि तड़का जो लगा है वो इसी में बंद हो जाए, ताकि खुशबू जो है वो अच्छी आए। अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं पुलाव। अगर आप इस तरीके से कढ़ाई में पुलाव बनाते हैं तो आपका पुलाव बहुत ही खिला खिला बनेगा, बिल्कुल गारंटी है इस चीज़ की। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया, उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले,
प्याज डाल दी, प्याज को पकाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट उसको करना है। फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू और अच्छे से इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे, प्याज के साथ साथ में ही आलू को और खड़े मसालों को इनको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरी एक चीज़ इसमें स्किप हो गई थी, नमक। जी हाँ, इसमें नमक डालना है, मैं स्किप कर गई थी, तो बस इसे डाल दिया है। और फिर इसमें डालनी है कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से मटर जो है वो फ्रोजन मटर है मेरे पास में, तो मैं वो बाद में ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे डाले हैं चावल, मैंने यहाँ एक कटोरी चावल लिए थे। अगर आप एक कटोरी चावल लेते हो तो आपको दो कटोरी पानी डालना है अगर आप खुले उसमें बना रहे हो। बनाना किस तरीके से है वो भी मैं बताऊँगी कि किस तरीके से इसको पकाना है। तो अभी तो मैंने नॉर्मल फ्लेम रखा हुआ है गैस का। मटर मैंने इसमें डाल दी है धुल करके बढ़िया तरीके से, और इन सभी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे हम। चावल में सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई हैं, अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने जैसे कि बताया एक कटोरी चावल थे, तो दो कटोरी मैं इसमें पानी डालूंगी। और हाँ, एक चीज़ भूल गई, पनीर। पनीर मैं इसमें डाल रही हूँ, और भी कोई वेजिटेबल अगर आपके पास में है वो आप इसमें ऐड कीजिए। मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, थोड़े से मैंने इसमें काजू डाल दिए। मैंने काजू जो है वो पहले फ्राई नहीं किए थे, मैंने अभी इसमें काजू डाला है। अभी मैंने जो पानी उबाल के रखा हुआ था वो दो कटोरी मैं इसमें, जितना मेरा चावल था उससे दुगना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बस ये इस पे ध्यान रखना है, पहले तो इसको बढ़िया तरीके से खदकाना है। एक इसमें जब उबाल आ जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है इसका जो फ्लेम है गैस फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाना है। और हाँ, एक सबसे मेन चीज़ इसमें क्या रहेगी, वो रह गया सबसे लास्ट में, जब आप सारा प्रोसेस कर लो तब इसमें डालो एक नींबू। जी हाँ, मैंने नींबू डाला है। नींबू से चावल जो है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा अगर नहीं ट्राई किया है तो। तो बस ये सारी चीज़ डाल के अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो गैस फ्लेम है वो बिल्कुल कर दिया है लो और इसमें उबाल आ चुका है। अभी हम क्या करें, अभी हम इसको ढक देंगे। इसको मैंने ढक दिया है, 15 मिनट बाद ही आपको इसको खोल करके देखना है। देखिए, हमारी कढ़ी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनके हो गई है तैयार। और इधर 15 मिनट बाद जब मैंने प्लेट हटाई तो देखिए कुछ इस तरीके के जो है हमारे चावल बने हुए थे। अभी क्या करना है, इनको मतलब अलट पलट कर देना है ताकि नीचे के जो चावल हैं वो ओवरकुक ना हो। आप लोग देख सकते हो एक एक चावल चमक रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारे खिले खिले जो चावल हैं वो बनके तैयार हो गए। अभी इसको ढक के 10 मिनट के लिए और छोड़ देना है, गैस कर देनी है बंद। बस फाइनल रिजल्ट ये है हमारे पुलाव का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने थे। अभी करते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। और यहाँ पे मलाई रखी हुई थी, मैं मलाई को जमाती नहीं हूँ, डायरेक्ट ही उसको इस हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। इससे ही जो है वो मक्खन बढ़िया तरीके से आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पे इसको भी कर रही हूँ और साथ के साथ में मैं शाम के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। देखिए कितना सारा जो मक्खन है, अभी मेरा एक बार का और है, मेरे पास में ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है तो मैं सारा एक साथ में नहीं कर पाई थी, तो मैंने दो बार के में जो है वो कर लिया। शाम के खाने में मैंने बनाया है लौकी, तो लौकी हो गया और चपाती हो जाएगी और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा सा दही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा खाना। तो बस अभी आटा लगा लेते हैं और जो लौकी है वो भी हमारा बन चुका है। मैंने एक आलू इसमें डाल दिया था। आलू डालने से क्या होता है कि जो लौकी अलग से पानी पानी सा छोड़ता है ना, वो नहीं छोड़ता अगर आप एक आलू उसमें डाल लेते हो। घी भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। अभी जैसे ये बिल्कुल पिघल गया वैसे ही मैं गैस बंद कर दूँगी, इसको रखूँगी फिर मैं फ्रिज में। जब ये जम जाएगा तो घी घी जम जाएगा और जो छाई है वो अलग निकल जाएगी। उससे क्या होता है कि गैस की बचत होती है, आपको ज़्यादा देर तक गैस नहीं चलाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और खीरे का रायता बना लिया है, लौकी की सब्जी हो गई और बस अभी रोटी बनानी मेरी बाकी है। तो हमारा जो शाम का खाना है वो बन के हो गया है तैयार। यहाँ पे जो है मैंने दही रख दिया है जमने के लिए, और रात में ही जो है मैं दही जमा देती हूँ, क्योंकि रात में ही लाइट ना
अच्छी आती है। और अभी साथ के साथ में मैं अपना पूरा जो किचन है उसको भी समेट दूँगी, और किचन बना के बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है कि मेरा किचन में स्पेस कितना कम है। जब ये तैयार करवाऊँगी तो मैं इसमें और कुछ भी करवाने वाली हूँ, वो तो आगे ही टाइम बताएगा, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने सारे बर्तन जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और जो स्लैब है उसको भी बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया है, क्योंकि रात में आप कभी भी किचन को गंदा ना छोड़ें। और बेशक आप दिन में कितना भी बिजी हैं नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, बट रात में कभी भी अपने किचन को नहीं छोड़ना चाहिए गंदा और ना ही बर्तन छोड़ने चाहिए। बड़े भी हमारे यही बोलते हैं कि कभी भी रात के बर्तन और रात में किचन जो है वो गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे सारे बर्तन अपने क्लीन कर दूँगी, सारे जितने भी बर्तन थे सारे वॉश हो चुके हैं, और जो सिंक है वो भी मैंने बढ़िया तरीके से मांज दी है ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो सारी चीज़ें मुझे मेरे किचन में साफ़ सुथरी मिले, कुछ भी मुझे उठ करके एक्स्ट्रा ना करना पड़े। मैं खाना पीना खा के मैं बैठ गई थी जाके, और मुझे फिर अचानक से याद आया अरे मांटू की यूनिफॉर्म भी वॉश करनी है, तो बस मैं सीधा आ गई यहाँ पे और मैंने जो है थोड़ा सा सर्फ डाल दिया बाल्टी में, इसकी यूनिफॉर्म भी वॉश कर दूँगी और कुछ जो है अनाया के नीचे बिछाने के कपड़े हैं वो भी मैंने ले लिए थे, एक दो चीज़ और थी वो भी, क्योंकि सर्फ जो है वो ज़्यादा घुल गया था तो जितने अभी सर्फ में जो है कपड़े धुल पा रहे थे मैंने वो सारे ही हाथों से वॉश कर दिए। यहीं पर मैंने एक पाइप लगाया हुआ है इसको यहाँ पर कंघाल दिया, और मैंने सोचा चलो एक मशीन का स्लॉट जो है मेरा लग जाएगा तो मैं वो भी लगा देती हूँ, ये है कि कपड़े धुल जाएंगे तो ये भी मैं लगा करके छोड़ दूँगी। और इसमें क्योंकि सोख करने होते हैं कपड़े थोड़ा सा, तो एक आध घंटा जो है वो सोख हो जाएंगे और फिर मैं मशीन इसमें यहाँ पे चालू कर दूँगी। तो जी अभी मैं इस वीडियो का कर रही हूँ एंड, और अभी मैं अनाया को ही ले रही थी तो उसको मैंने दवाई दी है। अभी मैं ये वीडियो ना कल डालने वाली थी पर मैं कल इस वीडियो को नहीं डाल पाई, तो मैंने सोचा चलो अभी इसको एंड कर देती हूँ, और आज मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। बाल भी कंघी नहीं हो पाए, कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि इसके साथ में ही लगी हुई हूँ, अभी मैं इसको दवाई वाई दे रही थी। और आप लोगों से जैसे कि मैंने शेयर किया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कुछ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और हम कुछ लेने जा रहे हैं, ख़रीदने का हमारा प्रोग्राम है। क्या ख़रीद रहे हैं मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम लेने जा रहे हैं। और अभी फाइनल जो है मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी कि कब ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो है कागज़ी कार्रवाई जो है जिसको हम बोलेंगे जो कागज़ी काम है वो उसका देख रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि हम क्या लें, शेयर क्या करेंगे फिर तो हम आप लोगों के साथ में दिखाएंगे। सच में बताऊँ मैंने कभी भी नहीं सोचा था, चाहे कुछ भी हो ये घर बनना हो इस तरीके का जिस तरीके का मेरा घर बना है, बेशक तैयार नहीं हुआ है पर बना है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा हमारा खुद का घर होगा। तैयार भी धीरे धीरे होता रहेगा और गांव में बन जाएगा, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। छोटे छोटे सपने हैं हमारे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो छोटे छोटे सपने भी हमारे पूरे हो रहे हैं, ये भी हमने कभी नहीं सोचा था। और जो चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं, अब देखिए घर भी बना ही लिया है अपना, एक मेरठ में, मेरठ जैसी हमारे यहाँ पे सिटी में खुद का एक प्लॉट होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनका बाहर कोई प्लॉट है। और जहाँ पे हमारा प्लॉट है मोदीपुरम में, बहुत अच्छी जगह हमारा प्लॉट है जो वो है फिलहाल, तो वो है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कैमरे के पीछे की हैं, और ये भी हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने इन छोटे छोटे सपनों को भी पूरा कर पाएंगे, पर हमारी मेहनत कुछ भी हो मेरी और इनकी मेहनत से मिलके हम दोनों मिलजुल करके ये सारी चीज़ कर रहे हैं। और जो अभी हम करने जा रहे हैं उसका हमारा कई बार बीच बीच में प्रोग्राम बना है, बट फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम लोग पीछे हट जाते हैं,
और आप लोगों के साथ में शेयर भी करते हैं, पर आप लोग समझ सकते हो कि बीच बीच में कई बार हमने शेयर भी किया है पर हम उस चीज़ को नहीं कर पाए हैं। वो इस वजह से क्योंकि जब हमारी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं और उसका बजट हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम पीछे हट जाते हैं, फिर हम और ज़रूरी चीज़ सोचते हैं कि क्या इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमें करनी है। फिलहाल तो अभी एक जो हम खरीदने जा रहे हैं, जो हम लेने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, हमको कम से कम 10 दिन हो चुका है तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और जिस दिन वो फाइनल हो जाता है फिर तो आप लोगों को वहाँ पे हम लेकर के चलेंगे ही। उससे पहले एक और बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करना है, वो हमारी इन दोनों बेटियों का है, क्योंकि फ्यूचर का हम पहले सोचेंगे और वो भी इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के सबसे पहला काम वही है, तो वो मुझे करना है। मुझे इनका डाकखाने में कुछ कराना है दोनों का ही, बाकी का एक चीज़ हो रखा है, इनका दोनों का मुझे डाकखाने में कराना है, कोई स्कीम है जो मुझे भी पता चली है तो वो इनका कराएंगे। सबको करना चाहिए, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के लिए या अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आगे के लिए सेविंग भी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान जितना कमा रहा है उसको उतने को ही मौज मस्ती में उड़ा दे, तो ये मुझे समझदारी नहीं लगती है कि आज हम अपने शौक पूरे करने के लिए अपने फ्यूचर या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ भी ना सोचें या कुछ भी नहीं करें। कमाने को कमा इंसान कम भी ले, उसको खर्च किस तरीके से करता है वो मैटर करता है। कभी कभार हमसे भी खर्चे जो है वो ओवर हो जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट मंथ सोचते हैं इस चीज़ को कि अगर हम ये काम ज़रूरी नहीं था, ये हमें नहीं करना चाहिए था, तो वही सब चीज़ें हैं। अभी हम बहुत ही भैया दो लड़की के माँ बाप हैं, हम बहुत सारा सोचना पड़ता है ना, तो वही अभी हम बहुत सोच समझ के सारी चीज़ करते हैं। करने को तो हम पहले सबसे पहले अपना मकान भी तैयार करवा सकते थे पर हमने वो छोड़ दिया है, क्योंकि इससे भी ज़रूरी ज़रूरी और काम है, हम कहीं और अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर प्लस सेविंग भी कर रखनी होती है और प्लस ऐसा भी रखना होता है कि बच्चे हैं साथ में, बच्चों का साथ है, कुछ हारी बीमारी कुछ भी पता नहीं चलता है, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो आप लोगों से बहुत सारी बात कर ली, चलो फिर करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।